हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 9 मई 2019 है और बृहस्पतिवार का दिन आज एक्सपायरी हो गया। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो को मेरा देखा होगा, वॉच की रखा होगा, तो मैं कंटिन्यू आपको बोल रहा था ये बेरिश रहेगा। आज भी बेरिश है और अभी कुछ दिन तक बेरिश रह सकता है। अभी भी मेरा बेरिश भी हुआ है इस पर। और आज भी आप देखेंगे, आज जो क्लोजिंग हुआ है, एक समरी आपको बताऊँ तो ये कहीं ना कहीं 28,400 और वहाँ से कहीं ना कहीं 28,000 की ओर जाते हुए दिखे, तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। अगर आपको बाउंस मिलता है ऊपर की ओर कभी भी रिकवरी, क्योंकि बहुत दिन से गिर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा इंडिसेसिव कैंडल है, डेली बेसिस पे देखेंगे तो आप इंडिसेसिव कैंडल बनता है। यहाँ पे देखिए, तो अगर इस बेसिस पे आप देखिए, अगर कोई आपको प्रीव्यू व्यू मिलता है तो आप थोड़ा अप जाता है, तो आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ऊपर की ओर आपका है ही। आप इस स्टॉप लॉस के 29,145 के स्टॉप लॉस से बने रहें तो ऊपर जाना नहीं है, इसको नीचे ही जाना है। फिर भी 29,145 का ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो, ऊपर की ओर नीचे शॉर्ट पोजीशन पे बने रह सकते हैं। इस तरह आज का देखिए क्लोजिंग 9 मई 2019 को जो क्लोजिंग और एडवांस 5 है, डिक्लाइन 7 है। जो एडवांसेज है वो यस बैंक में थोड़ा सा 71 की ओर, तो ये 180 तक जा सकता है। RBL 680 690 तक जा सकता है। PNB में थोड़ा गेन है, ऐसा कोई खास नहीं। SBI का रिजल्ट है, SBI पे आप दाव मत खेलिए, इस SBI को शॉर्ट करके चलिए। SBI का 305 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 305 इसके क्रुशियल लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ है, तो 305 के स्टॉप लॉस इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा गेन दिया है और जो सबसे ज़्यादा लूजर है कोटक बैंक, टूटा हुआ है 1370, हो सकता है कल आपको 1320 1325 तक दिखाए आगे कमिंग डेज में, और भी टूट सकता है। IDFC बैंक, फेडरल बैंक, ये सब थोड़े थोड़े पॉइंट से यहाँ से गिरते हुए आपको दिख रहे हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ 28,893 पे, हाई बनाता 29,040 का और फिर लो बनाता 28,784 और 28,684 पे क्लोजिंग देता है। आप चाहें तो 29,145 का स्टॉप लॉस लगाएं या जो आज का हाई है इसका स्टॉप लॉस लगाएं। अगर कल जाता है शॉर्ट टर्म के लिए तो ये शायद अपवर्ड ले लेगा और 29,200 तक जा सकता है, 29,300 भी जा सकता है, लेकिन आपको वहाँ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अपनानी है। अगर आपने एक पोजीशन पे शॉर्ट है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पे रहनी है। और 29,000 के पुट ऑप्शन को भी चाहे तो आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और 29,000 के पुट ऑप्शन में बने रह सकते हैं। अब 30 मई का 29,000 का पुट का ऑप्शन आपको मैं ऊपर से बता रहा हूँ, 30,300, फिर आप वहाँ पे 30,000 पे था, 29,500 पे था और अब 29,000 पे, हर लेवल पे पुट का ऑप्शन ही दिया बताया था, सजेस्ट किया था, और अभी भी मेरा 29,000 के पुट पे ही है कि आप उस पर बने रहें। और अगर ऊपर जाता है तो आपको वहाँ दो पोजीशन में ऐड करनी है उसको, क्योंकि अल्टीमेटली इसको 28,400 फिर 28,000 की ओर जाते हुए आपको दिखिएगा। बैंक निफ्टी कमजोर दिखता है, निफ्टी में थोड़ा सा हो सकता है 11,050 के बाद ये ऊपर ले सकता है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 11,000 पे उसको बहुत सपोर्ट है, बहुत मेहनत से वो 11,000 क्रॉस किया हुआ था, तो उसी तरह बहुत इसको वहाँ पे सपोर्ट मिलने के चांसेस है 11,000 पे। निफ्टी 11,000 से बाउंस ले सकता है, तब तक ही यहाँ पे 28,400 और यहाँ से एक बार ये भी एक बार ऊपर की ओर जा सकता है। तो 29,000 का अब इससे नीचे जाना निफ्टी, मतलब समझिए आपको बहुत पॉइंट नहीं मिलेंगे। 28,400 एक लेवल हो सकता है या 28,000, इससे नीचे अभी टाइमिंग तो नहीं दिखता है, तब तक इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा और यहाँ से फिर हो सकता है आपको 1,500-2,000 पॉइंट ऊपर ले जाकर के फिर से क्लोज दे आपको 30,000 के आसपास, तो ये टर्न हो सकता है। तो अभी आप चाहें तो नेक्स्ट वीक के लिए भी आप पुट का पोजीशन बनाएंगे तो शायद आप फायदे में रह सकते हैं। आप देखेंगे अगर आप चार्ट यहाँ पे देखेंगे, अभी सारे इंडेक्सेस देखेंगे, डॉ अभी भी गिरा हुआ है, 295 पॉइंट 400 पॉइंट गिरा हुआ था, अभी ये रिकवरी ले रहा है। S&P अभी गिरा हुआ है, तो अभी देखेंगे डॉ में अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमोडिटी में देखें तो थोड़ा सा आपको क्रूड और ये नॉर्म है, तो शायद ये मार्केट को संभाल के रखे। और आज चाइना का वो न्यूज़ भी आने वाला है, कौन से कितने प्राइस पर उन्होंने ट्रेड लगाया क्या नहीं लगाया है। और अगर फॉरेक्स की बात करें तो USD INR देखिए अभी बढ़ के दिख रहा है, ये यहाँ प्रेशर है, डॉलर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कल भी मार्केट आपको गिरते हुए दिखे, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। और नहीं भी गिरना तो चाहिए मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे 290-300 पॉइंट का गिरावट दिखा रहा है, तो मार्केट में कल भी आपको हो सकता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर चाइना कोई वापस बैन की बात करता है, USA बैन की बात करता है, तो 500-600 पॉइंट भी गिरता है, तो कोई बड़ी सरप्राइज नहीं है। उधर निफ्टी आपको 1,150 तक दिख सकता है और वहाँ पे फिर वापस आपको, क्योंकि 11,300 उसमें तोड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपको वहाँ 11,050 तक दिख सकता है और वहाँ पे आपको सपोर्ट लेगा और फिर वो वापस ऊपर की ओर जाएगा। 11,000 से ज़्यादा की मंदी अभी नहीं देखने को मिलती है, 11,000 तक मेरे अंदाज से वहाँ से उसको एक बार रिकवरी लेना चाहिए, पोजिशन तो वैसा बन रहा है। इनफैक्ट चार्ट पे देखेंगे तो आप इंडिसेसिव कैंडल ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे,
आप यहाँ पे देखेंगे तो आज इनडिसिसिव कैंडल बना है, ओपन हुआ था 28,887 पे, क्लोजिंग 884 पे दिया है, ऑलरेडी इनडिसिसिव कैंडल है पैटर्न है। और आवरली बेसिस पे जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं ये एक दायरे में जाकर के फंस गया था, और ये यहाँ से एक बार फॉल आने के बाद ये कंटिन्यू एक दायरे में को तोड़ नहीं पा रहा था। तो अगर शॉर्ट टर्म में बोले तो 28,950 मतलब 29,000 अगर ये तोड़ता है तो शायद एक बार आपको प्लस वॉल्यूम के साथ देख सकता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे 2:30 पे ये वॉल्यूम के साथ यहाँ टूटा है। और आवरली बेसिस पे देखेंगे तो ये आवरली बेसिस पे 9 डेज का कैंडल को ये बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो आप चाहें तो 9 डेज या 21 डेज के कैंडल के ऊपर 29,118 है, आप उसको वॉचलिस्ट रख सकते हैं। 29,118 जो आवरली बेसिस पे इसका है तो वहाँ पे वॉचलिस्ट रख के रख सकते हैं। 29,118 क्रॉस करता है तो एक बार शायद ये ऊपर जाए हो सकता है, लेकिन आपको पुट की पोजीशन बना के भी रखनी है, कॉल की पोजीशन अभी नहीं बनानी है। अभी हो सकता है कि वहाँ से वापस आपको गिरावट देखने को मिले, तो इसलिए अगर ऊपर मार्केट दिखता है किसी कारण से तो आपको फॉल की कंडीशन होना नहीं है, बाई की कोई नहीं कंडीशन में नहीं जाना है। ये यहाँ पे भी इंडिसीजी बना था, उसके बाद फॉल बना है, वापस इस लेवल को तोड़ा है इसने, 29,181 एक क्रूशियल लेवल था उसको तोड़ दिया है, उसके नीचे है। तो जब तक इस लेवल को डेली बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है तब तक आपके पास दूसरा चांस हो सकता है 28,400 के आसपास जा सकता है, ये 28,413 के आसपास जा सकता है। 28,413 तोड़ने के बाद सीधा आपको 28,000 की ओर जाते हुए दिखेगा, तो 28,400 और 27,000 की ओर जाते दिखेगा। और 9 डेज का कैंडल देखेंगे तो ऑलरेडी ब्रेक कर रहा है 20 दिन के कैंडल को, 21 दिन के कैंडल को, तो यहाँ पे एक ब्रेक दिख रहा है डेली बेसिस पे, तो ये ब्रेक अच्छा नहीं है और ये ब्रेक तोड़ता हुआ आपको नीचे की ओर जाता हुआ दिख सकता है। पुट की बात करें तो पुट में देखेंगे यहाँ पे नीचे की ओर 28,000 तक आराम से कोई बहुत दायरा नहीं है, सपोर्ट जो है थोड़ा सा आज क्लोज 28,884 पे दिया है, आज का है 16 मई की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये पुट साइड है ये कॉल साइड है, तो 28,884 पे क्लोज हुआ है 9 मई का। तो अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉल साइड है, अगर आप एट द मनी देखें 28,800 पे, यहाँ पे 32,000 पोजिशन से और ऊपर की ओर 2,46,000 पे शॉर्ट चल रहा है, और है भी आज ही शॉर्ट बना है इसका 2,46,000 से, क्यूमलेटिव 289 है। तो कहीं ना कहीं 29,000 क्रॉस करने की संभावना यहाँ पे नहीं दिखती है, और नीचे की ओर ऊपर जाएं तो नीचे की ओर देखें ये कहीं ना कहीं ये हर लेवल पे यहाँ पे आपको 29,000 पे ही यहाँ पे भी 1,63,000 सपोर्ट ले रहा है, एंड ये सपोर्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा, सीधा यहाँ से आपको 28,500 की ओर दिख रहा है 1,63,000 का, और फिर सीधा 28,000 की ओर दिख रहा है सपोर्ट जो मिलने वाला है जो आज ही बना है 1,30,000 से। तो इस पॉइंट से देखें तो कहीं ना कहीं प्राइस पैटर्न से भी देखें तो यहाँ प्राइस गेन हो रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, और 28,000 की ओर जाते हुए आपको दिख रही है मार्केट, यहाँ पे हो सकता है 28,000 की ओर जाए। शुरुआत में अगर ये ऊपर की ओर थोड़ा सा लेता है, 29,000 की ओर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे आपको पुट का रेट घटते हुए मिलेगा और वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आज 16 मई की एक्सपायरी की बात करें, 16 मई की एक्सपायरी की जो 29,000 का पुट है वो आपको लास्ट रेट 312 रुपये पे मिल रहा है, और अगर इसको डिटेल में देखें तो 30,000 का पुट 16 मई का हाई बनाया 379.75, लो था 241 का, 44 पॉइंट के 16% के गेन के साथ 312.15 पे क्लोजिंग दिया है, 20 का लॉट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 169 है, अभी भी इसमें बाइंग 24,900 फुट के लिए तैयार है और सेल के लिए सिर्फ 11,000 है। स्टिल 29,000 के पुट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, मार्केट लगता है 29,000 के पुट को अभी भी रेस्पेक्ट करना चाहता है और वैल्यू दे रहा है, तो 29,000 के पुट पे कोई पेपर ट्रेडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मेरा एज ए कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अगर कोई भी बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही सलाह लेके ही बनाए, पैसा आपका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कोई चाहे तो 29,000 के पुट को पेपर ट्रेड करके देखें, सीखें और पेपर ट्रेड करें, वॉच लिस्ट में रखें तो शायद उनको फ़ायदा हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए है 29,000 के पुट को आप रख सकते हैं, जो कि आपको 312 रुपये मिलता है, मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कहीं ना कहीं ये 270-275 में मिलता हुआ दिखे, तो आपको बाय रखनी चाहिए इस पे। 16 मई की एक्सपायरी है, देखते हैं तब तक क्या होता है और वॉच लिस्ट रखते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगता है इसमें, आपको स्टॉप लॉस इसमें 100 रुपये का लगा दीजिए, 100 रुपये आपको गेन मतलब 100 रुपये से नीचे इसको जाना नहीं है, तो 100 रुपये के स्टॉप लॉस से आप चाहें तो 312 के को खरीद सकते हैं, 29,000 की पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाय नहीं करना, बाय करना तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करेंगे। तो बैंक निफ्टी एक बेरिश व्यू है, बैंक निफ्टी शायद गिरते हुए आपको दिखे तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, और अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं वीकली बेसिस पे तो जो लास्ट वीक की आप देखें इंडस्ट्रेंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे गिरा हुआ दिखता रहा,
कहीं ना कहीं फेडरल बैंक 3% का अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, कंटिन्यू प्रॉफिट दे रहा था, और अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। यस अभी देखेंगे जो आज चला है, आज जो चला है उसमें देखेंगे यस बैंक थोड़ा सा अच्छा गेन दिखा रहा है, RBL, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब और SBI थोड़ा सा पॉजिटिवनेस की दिख रहा है, और निगेटिव में आप देखेंगे IDFC फेडरल बैंक 1-1% के साथ थोड़ा सा गिरावट दिख रहा है। तो हो सकता है कि एक बार सरप्राइज ये 180 की ओर अगर आपको जाते हुए दिखे तो कोई इशू नहीं है। यस बैंक में थोड़ा 180 के लिए आप चाहें तो इस पर वॉचलिस्ट रख सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यस बैंक में स्ट्रॉन्ग बाई है, और RBL बैंक पे बाई है, बाकी सब में आवर्ली बेसिस पर या डेली बेसिस पे सेल ही है। तो आप चाहें इसको भी देख सकते हैं, वॉच रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पे एक वीकनेस है जो आपको नीचे की ओर जाता हुआ दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी पे आप चाहें तो अपनी पोजीशन थोड़ी शॉर्ट करके रख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है, लेकिन कोई भी पोजीशन बनाएं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद करें। डो जोन्स का लेटेस्ट पोजीशन में 197 दिख रहा है अपन, तो आपको ऊपर नीचे दोनों भी दिखाए मार्केट तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।